कि मैं किस लिए धरती पर आई, और ये 4 महीने पहले मैंने 1 जून 2020 को मैंने ये जर्नी मेडिटेशन की यात्रा शुरू की अपने हस्बैंड के साथ। पर सच में मानिए, मेरा कुछ इरादा नहीं था मेडिटेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से थी और जुड़ी हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन संडे को, और बाय प्रोफेशन भी मैं टीचर हूँ। और लगा नहीं कि मुझे, क्योंकि मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ, तो क्या जरूरत पड़ी है मुझे ये सब करने की, मैं तो क्लाउन हूँ, क्या जरूरत पड़ी है मुझे मेडिटेशन करने की, वो लोगों के लिए है जो दुखी रहते हैं। बट एनी हाउ, तो मेरी सारी की सारी मिथ्स जो थी कि मेडिटेशन दुखी लोगों के लिए है, उसके लिए है, चौथे दिन ही गायब हो गई, फोर्थ डे। इसमें मुझे ये भी पता चला कि आप अपनी फिजिकल एलिमेंट्स को करते हो, क्योर करते हो। और मैं एस्थेमेटिक थी, 4.5 साल से मैं स्टेरॉइड्स वगैरह पे थी, लेकिन मैंने उसको खत्म किया 10 दिन के, मतलब 5th डे पे मैंने अपनी डिटर्मिनेशन बनाई कि मुझे आज से अपना इनहेलर स्टेरॉइड्स नहीं लेने। और उसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारी इनर, आई वुड से, वो बीमारियां जो थी, जो कहते हैं ना अमीर लोगों की, लोग कहते हैं फॉरेन के लोगों की जो बीमारियां होती हैं, वो मुझे लग गई थी। ओके, पर बाहर से नहीं लगता था, बाहर से तो मैं एकदम ऐसी शरारती थी कि 10 लोगों को पिटाई कर दूं, मार दूं, ये सब। पर ऐसा था, मुझे पता था मेरे अंदर क्या हो रहा है। और मैं आज शायद उसी की बात भी करूंगी कि ट्रू सेल्फ से जब आप नहीं कनेक्ट होते तो क्या होता है हमारे साथ। तो आई थिंक मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं अपनी स्लाइड्स भी शो करती हूँ, ताकि मैं साथ साथ में बोलूँ थैंक यू, एंड अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो आई एम अरे रियली सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं होगी। और आपको तो 100 खून माफ है। थैंक यू दीदी। आप देख सकते हैं स्क्रीन हाँ दीदी? हाँ यस। यस यस तो यस आज का मेरा टॉपिक है बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से सच बोलना। मुझे ये बहुत टॉपिक आई थिंक इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं छोटी थी हमेशा ये सोचती थी कि जिंदगी में हर चीज को कैसे कैसे होता है, जब आपके पास आपके पैसे नहीं रहते, आप अपने कंफर्ट जोन से नीचे आ जाते हो, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप जिंदगी की उम्मीदें छोड़ देते हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी ऊंची होती है। तो मेरी सोच भी ऐसी थी, मेरी जिंदगी में गाना, मैं बड़ी बॉलीवुड से बड़ी कनेक्टेड हूँ, तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आसमानों पे उड़ने की आशा, ये गाना मेरे को बहुत, मुझे याद है मैं अपनी छत पे अपना होमवर्क कर रही थी और ये गाना पीछे से तब उस टाइम पे बज रहा, और मैं गा रही थी रेडियो के ऊपर। मैं इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी कि हमारे घर में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती, और शायद जो भी लोग रहे हैं पंजाब में उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी आया है सब इन्वर्टर्स और ये सब, लेकिन जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी ये सब चीजें नहीं थी, वहां पे अवेलेबल नहीं थी। और मैं वो ये गाना सुन रही थी और ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा था, तो मैं ऐसे अपनी बहन को कहती हूँ आसमानों पर उड़ने की आना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहती थी किसी अमीर लड़के से, बलराज कपूर से शादी हो जाए, तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और मैं आसमानों पे उड़ू, तब सोचा भी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, तब सोचा भी नहीं था, क्योंकि पंजाब में 10 साल टेररिज्म रहा है और मेरे फादर का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। और तब तो हम हंसते हुए, दोनों बहनें, जब कोई कहता था ना हमारी शादी की बात, तो हम हंस के कहते थे अरे साइकिल वाला भी मिल जाएगा तो बड़ी नसीबत है। ओके, एनी हाउ, तो हमारी शादी ओके बलराज से हुई। और देखिए किस्मत का, मैंने उस टाइम बिल्कुल सोचा नहीं था ऐसा खेल कि मुझे अपने माँ बाप को मिलने के लिए सिर्फ एक एरोप्लेन ही जरिया था कि मैं अपने आप माँ बाप से मिल पाती, कुछ ऐसा नहीं था। ओके, सो आपकी सोच, लेकिन उस सोच के साथ मैंने क्या कुछ पाया अपनी जिंदगी में, क्या कुछ किया। मैं जॉइंट फैमिली से आई, एक कमरे में बड़ी हुई, और मुझे लगता था हम तो बहुत अमीर हैं, घर में 18 के लोग रहते थे, लेकिन एक बाथरूम होता था, फिर भी कभी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लंदन में आई तो मुझे पता चला अरे यहाँ तो आपका हर चीज जो होती है सेपरेट होनी चाहिए। शादी के बाद जो एक आपका ट्रू सेल्फ जो कहते हैं ना, पहले तो माँ बाप ने आपको इतने अच्छे से कवर किया होता है, लेकिन जब आप अपने ट्रू सेल्फ को शादी के बाद पहचानते हो, रियल तालाब में जब गिरते हो, तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपकी वैल्यूज थी, क्या आपके माँ बाप ने आपके ऊपर काम किया और क्या अपने ऊपर आपने काम किया। तो मैं उस जर्नी को लेते हुए आगे बढ़ती हूँ, अपनी स्लाइड को पहले दिखाती हूँ कि बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपकी अपनी, जो आपकी बिलीव्स हैं, उसके ऊपर कायम रहना,
और जो आपको सही लगे सही लगे, ओके, सही लगने की यहाँ डेफिनेशन लगे उसके ऊपर अडिग रहना, वो वैसे काम करना। और सही लगने का मतलब ये नहीं कि लोगों के इंसल्ट करो, बेइज्जती करो, नो। कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स है वो हमें पूरे करने हैं। वी कैन नॉट मिसबिहेव विद एनीबॉडी, किसी के साथ हम बदतमीजी नहीं कर सकते। उसे हम ट्रू सेल्फ नहीं कहेंगे कि मैंने बड़ों की बेइज्जती कर दी, हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात की, नहीं, उसको हम ट्रू सेल्फ नहीं कहेंगे। तो अभी ट्रू सेल्फ में आगे बढ़ने के लिए कि आगे व्हाट इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, इट इज अ पर्सनल चॉइस फॉर ट्रूथ। देखिए ट्रूथ की पर्सनल चॉइस होती है, समझ लीजिए। जैसे मैं कहती हूँ, हमारे हम घर में चार तरह के, चार लोग रहते हैं, मेरा बेटा, बेटी, हस्बैंड और हम दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। मेरे हस्बैंड की ट्रूथ की डेफिनेशन ठीक है, जहां पे अरे रेड सिग्नल तोड़ दिया, गाड़ी पार्क कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां मेरा बेटा आता है, वो प्रिंसिपल उसका जो ट्रूथ है, वो कहता है नहीं जी, ऑलवेज गो बाय द बुक। पर मेरा हस्बैंड कहता है मैं ऐसे कर तो नहीं रहा। सो ट्रूथ की डेफिनेशन हर लोगों के लिए अपनी पर्सनल है, ओके। समझिए मैं खाना बना रही हूं, तो मुझे ट्रूथ अपने साथ रहना है कि मेरा बेटा वीगन है, मैं उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं करूं कि मैं खाने में घी मिला दूं। सो ट्रूथ टू माई सेल्फ, ओके। सो अगेन दिस इज एवरी वंस पर्सनल, ट्रू टू योर सेल्फ, आपकी ट्रूथ आपके लिए क्या है। पर कल के टॉपिक में भी जैसे कहा गया था, ट्रूथ की जो है ना पैरामीटर्स आप डिसाइड करते हो। सो मेकिंग चॉइस अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू लिव, आप किस तरह से रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। अगर इंडिपेंडेंट बनने का मतलब, देखिए मैंने ना आज, मतलब पहले मैं भी हाउसवाइफ थी, अभी मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट काम करने के बाद हाउसवाइफ्स के लिए और ज्यादा बहुत बढ़ गई है। एंड प्लीज यहाँ पे जितने भाई बैठे हैं, प्लीज ये मत सोचना कि आज मैं वुमेन एंड पावर के ऊपर कुछ बात कर रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर नहीं बात कर रही। दोनों सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों नहीं होते तो आज सृष्टि की रचना नहीं होती। सो इसलिए दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ साथ हैं, ओके। पुरुष भी उतना इंपॉर्टेंट है और औरत भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट इस टॉपिक के ऊपर कह रही हूँ कि आपको जीना कैसे है, क्योंकि मैंने देखा औरतें अक्सर रोती रहती हैं, क्रिप करती रहती हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो आपको जीना है, अगर आपको बाहर जाना है, आपने बाहर की रियलिटी देखी है कि आपको लगता है कि बैग उठाते हैं हम, सुबह जूते पहनते हैं, मेकअप करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सो सेटिस्फेक्शन, यू नीड टू थिंक अबाउट चॉइस अबाउट व्हाट, हाउ यू वांट टू लिव। सेकंड, यू डू नॉट वरी अबाउट प्लीजिंग अदर पीपल। देखिए हर किसी को खुश करने पे लगे रहे तो हो गया भंटादार, कुछ भी नहीं मिलेगा। यू नीड टू डिसाइड योर सेल्फ कि आप किसको प्लीज कर रहे हो। जब तक अपने आप को प्लीज नहीं करोगे ना, तो किसी को भी नहीं। मैंने देखा है, मैं आज कितने साल हो गए, मुझे 22-23 साल हो गए काम करते हुए फॉरेन, आउट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में मैं आपको सच में बताती हूँ, मैंने देखा है ताबेदारी का, ताबेदारी, यस सर प्लीज हम करते रहते हैं और उसी में घुट घुट के जीते हैं। तो किसी को प्लीज करके कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप खुश नहीं हो, आपकी आत्मा खुश नहीं है। देन यू डू नॉट लिव बाय समवन्स एल्स रूल्स कि उसने बनाया तो मैं ये करूंगा, उसने मेरे को कहा। कई बार कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ती है जिंदगी में अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। डू नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू एंड यू लिव एज योर नेचुरल सेल्फ विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको इसके लिए इसलिए कहती हूँ, जब मेरी शादी हुई तो बलराज का और मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरा बहुत डिफरेंट लिविंग स्टाइल, बहुत डिफरेंट था। मैं बड़ी रिलीजियस फैमिली से, बड़ी स्टूडियस, और मेरे हस्बैंड की फैमिली बड़ी पार्टी गोइंग फैमिली, ओके। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो जनरल मैनेजर थे 5-स्टार होटल्स के, और मेरे प्रिंसिपल्स बड़े जी, हम, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सिगरेट नहीं पी, मेरे सामने कभी, मैंने अपने घर में कभी सिगरेट नहीं देखी थी, कभी ड्रिंक नहीं देखी थी। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने पहली बार देखा कि अरे यहाँ तो सब कुछ ड्रिंक करना पड़ता है। मुझे ABCD भी नहीं पता थी कोई ड्रिंक की, कोई बनाते कैसे हैं। लेकिन लाइफ में वो कहते हैं ना कुदरत, मैं, मेरी ना बुआ जो थी वो बड़ी, उनका होटल बैकग्राउंड से था, तो वो इतनी ज्यादा वो उसी में रहती थी हमेशा, तो मुझे उनके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे बोलो, नैपकिन ऐसे उठाओ, वैसे करो, मतलब एक ऐसा लगता था नेचुरल एटमोसफेयर ही नहीं है, लगता किसी रेस्टोरेंट में आ गए हो, बस टिप नहीं दी बुआ को, बाकी सब हम वही काम करते थे, ओके। और फिर
मेरी जब शादी हुई बलराज, मैंने पहले आपको बताती हूँ ये भी, मैंने बलराज को पसंद कैसे किया। हमको चाय सर्व की गई और चाय ठंडी हो गई, और चाय के ऊपर वो मिलाई सी जो आ जाती है, झिल्ली सी जिसे कहते हैं, तो बलराज ने कुछ स्पून नहीं उठाया, ऐसे उठाई और साइड पर रख दी। मैंने कहा हे ये तो मेरे जैसा बंदा है, ओके तो ये ठीक है, ये चलेगा, ओके। तो हमारे, मैंने उस, देखिए उस उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, ड्रिंक कल्चर जो होता है, आपको कैसे अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर रहना, अरे तो एक सिप ले लेना, नहीं जी मैंने नहीं लेनी। और मेरे को मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, मैंने उसे बताया कि मैं इस चीजों को क्यों नहीं लेती, किस कारण नहीं लेती। फिर हमारे बच्चे हुए, बच्चों को पालने में भी, अरे मेरा, मेरे फादर इन लॉ का वेस्टर्न कल्चर, मैं कहूँ नहीं जी हमारा इंडियन कल्चर है, कहाँ पे थिन लाइन रखनी है, कहाँ पे करना है, वेयर इज माई ट्रू सेल्फ, दे आर चैलेंजिंग माई ईगो, दे आर चैलेंजिंग माई प्रिंसिपल्स। सो वहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रू सेल्फ के लिए, जो चीज हमारे पेरेंट्स ने हमें दी होती है ना, हम उसको भूल जाते हैं, जो नहीं देते ना वो हम सबसे पहले वो करने लगते हैं अपनी लाइफ में, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर नहीं लेके गए, चलो बच्चों को बाहर, बच्चों को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। सो मैंने ये सीखा अपने हस्बैंड को कहना कि क्या उनको चाहिए, पैसे से खुशियां नहीं मिलती, यस मनी इज इंपॉर्टेंट बट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम दोनों ने नर्चर, जहां पे कुछ रूल्स की बात आती थी या कुछ होता था, हम दोनों सेम पेज होता था, बच्चों को पता था यहाँ पे कितने भी लड़ाई झगड़े टांगे कर लोगे कुछ नहीं होने वाला, और वो मैं ट्रू सेल्फ के ऊपर रही। चलो ये तो मैंने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, लेकिन वर्क प्लेस पे ट्रू सेल्फ पे जब आप नहीं रहते तो क्या होता है। मैंने अभी 2.5 साल पहले, नो 1 साल पहले अपनी एक जॉब चेंज किया, उससे पहले मैं एक किसी जगह पे काम करती थी, असिस्टेंट प्रिंसिपल की मेरी जॉब थी, और काफी मतलब उसमें मेरे पास साथ साथ में पढ़ाना भी पड़ता था, लेकिन मुझे ऐसे काम करने पड़ते थे, इन द सेंस ऐसी चीजें मैं देखती थी जो राइट नहीं थी, एक इंस्टीट्यूट के लिए राइट नहीं थी। पर मैंने उसमें 2 बार मैंने रेजिग्नेशन भी दिया, लेकिन मेरी मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट डाला, ये नहीं पैसों के लिए मैंने कहा कि मुझे पैसों के लिए नौकरी चाहिए, बट मेरे लिए प्रिंसिपल्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने भारत के कल्चर से सीखा है कि प्रिंसिपल्स, योर ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डिग्निटी। तो मैंने 2.5 साल, मेरे हस्बैंड भी कहे क्या है ना, इतनी अच्छी तेरे को पैसे मिलते हैं, सब कुछ हो रहा है, क्यों तू छोड़ी, काय के लिए तू लग रही है वो महात्मा गांधी बन के झंडे गाड़ रही है, ये सब करने पे क्यों लगी है तू। बट हम तो जी बिल्कुल, हम तो पूरे ब्लड मेरे में वो उनका मोदी जी का है, कैसे हो सकता है ये सब चीजें। मैंने एट लास्ट मैंने रिजाइन दे दिया, पर वो 2.5 साल मेरे को, मैं कैंसर तक गई, बट लकीली 3 महीने जो मैंने सफर किया, मुझे कैंसर नेगेटिव तो हुआ, ओके जो मेरा रिजल्ट आए, बट 3 महीने मैंने सफर किया इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे करनी नहीं थी, आई वॉज नॉट कनेक्टिंग टू माई इनर सेल्फ, जो मैं चीजें देखती थी, अन्याय देखती थी लोगों के साथ, और लड़ने के लिए चली जाती थी, पर कभी वो कहते ना वॉइस, तो एंड क्या हुआ, मैंने जब उस नौकरी को छोड़ा, बहुत घर में बहुत हल्ले हुए, सबने बहुत, मेरे इन-लॉज ने भी कहा कि तू पागल है, बलराज ने अभी काम शुरू किया है और तेरी इतनी अच्छी जॉब है, सैलरी इतनी अच्छी है, लोग डेजिग्नेशन के लिए ऊपर जाते हैं। तो देखिए ये, एज आई सेड, चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। अगर आपको तमगे चाहिए अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस की कॉस्ट के ऊपर, देन हेयर यू गो, आई कैन गो रीचेस, ओके ऊपर तक, पर मुझे नहीं चाहिए था। मैं हमेशा कम्युनिटी के साथ काम करना चाहती थी। आज 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहते हैं जो तूने किया वो ठीक किया। सो व्हेन यू स्टिक टू योर प्रिंसिपल यू गो। और जो मेडिटेशन ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ट्रू सेल्फ, कनेक्ट टू माई सेल्फ, 4 महीने में मैं उसको तो बता ही नहीं सकती। एक एक पल मैंने अपना, मतलब आज भी अगर मुझे कुछ हो जाए, आज इस वक्त मौत, तो मैं कहूंगी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी, एक एक पल मेडिटेशन ने, इस ध्यान यात्रा ने 4 महीने में मुझे ये सब सिखाया। हम जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, वन यू थिंक यू आर, जो आप सोचते हो आप हो। अगर आप सोचते हो आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अगर आप चोर हो तो चोर हो, रावण हो तो रावण हो, दिस व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। द अदर वन इज थिंक, जो दूसरे सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप सोचते हो आप गधे हो तो आप गधे हो,
आप बलवान हो तो आप बलवान हो, अगर आप सोचते हो आप साइंटिस्ट हो तो आप साइंटिस्ट हो, जो आप सोचते हो ओके ये आपके ऊपर जो दूसरे सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको वो गुरु भी बना देंगे और एक मंट एक मिनट में आपको वो नीचे भी गिरा देंगे दूसरे लोग. द वन यू रियली आर, यू आर गॉड. ओके दिस टेक्स 400 एंड ऑलमोस्ट 450 कहते हैं वो जीवन आपको लग जाते हैं इस एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हुए. पर देखिए पत्री जी ने और ये जो सारे हमारे मास्टर्स बैठे कैसे हमें हाथ में घर बैठे ये ज्ञान हमें बांटा है मेडिटेशन का, कनेक्ट होने का, कि अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो, काय के लिए लगे हो उस. पता अभी मैं पीछे एक मैंने अभी एक लेसन दिया था पीछे फॉरगिवनेस के ऊपर करने लगी, मैं किसी के बारे में सोच रही थी और मैंने ये सोचा कि अगर मैं उस बंदे को नहीं माफ करूंगी और अगले मेरी सच में बोलिए मेरे रोम रोम ना शेक करने लगे, ना बाबा इसी जन्म में खत्म कर दो, थैंक यू मुझे नहीं चाहिए और उसके लिए जन्म का. सो फॉरगिव फ्रॉम द रूट कॉज इज सर्वाइव, मैं उनके साथ इतनी हंस हंस के बात करती हूँ. सो दिस टॉट थ्रू मेडिटेशन माई ट्रू सेल्फ, कनेक्ट टू माई ट्रू सेल्फ. सो आप आज डिसाइड कीजिए आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं. So the three P's help us to connect with ourselves. कि मैं भगवान हूं कैसे, उससे आपको वो अगर आपके पास वो तीन थ्री P's आ गए तो आपके पास हर कुछ आ गया, आपके पास लव आ गया, आपके पास पीस आ गया, आपके पास righteousness, नॉन वायलेंस, नॉन जजमेंट, ह्यूमिलिटी सब आ गई. तो वो थ्री P's है क्या, प्योरिटी पेशेंस एंड परसिवियरेंस. प्योरिटी मीन्स प्योर, बिल्कुल आप स्पार्कलेस, उसमें एक पानी का ग्लास जिसमें एक भी ड्रॉप सोप की डाल दोगे तो वो दूषित हो जाएगी, तो आप वो हो प्योर थॉट्स अपने रखने. पेशेंस सब्र, जिसने सब्र के ऊपर विजय पाली उसने दुनिया पाली. और ये मैंने सीखा अपने जॉइंट फैमिली में रह के, आपको पेशेंस तो कूट कूट के आ जाती है क्योंकि बात बात में लोग यही कहते हैं, सुन रही है दीवारें भी सुन रही है, मुंह पे हाथ रखो, बहुत कुछ देखते हो बहुत कुछ सुनते हो, तो आपको पेशेंस. और वही पेशेंस है जो जिसने मुझे आज हेल्प की. उस टाइम पे लगता था माँ ये गलत है, माँ ये ऐसा है, तो माँ कहती थी नहीं बेटा सब्र, सब्र का फल मीठा. आज उस मीठे फल ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी, मैं इतने देशों में घूमी, आज मुझे अपनी, पहले मैं क्या थी सिर्फ रिजू एक माँ बाप की बेटी और बहन, आज मुझे इतनी कैटेगरीज, इतने सारे लोग, इतने विशाल, देखिए आप कहां पे बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूं, दिल का रिश्ता, सोल कनेक्शन. ये कैसे हुआ, प्योरिटी सबर से. और परसिवियरेंस दृढ़ता, संकल्प, कुछ भी हो जाए देखेंगे क्या होता है. मैं आपको बताती हूँ जब हम यहाँ पे आए, एक और आपसे अपना पर्सनल शेयर करती हूँ, जब हम यहाँ पे आए तो मैं बलराज के वीजा के ऊपर, हम लोग यहाँ पे लंदन में आए थे और हम सब तीनों डिपेंडेंट वीजा के ऊपर थे, और थोड़ी देर के बाद बलराज ने 2 साल के बाद वो जॉब छोड़ दी क्योंकि खुश नहीं थे और मतलब कोई छुट्टी नहीं मिलती थी. मैं अपने हस्बैंड को 15 मिनट के लिए, हम हस्बैंड वाइफ दोनों स्टेशन के ऊपर मिलते थे क्योंकि हम लोगों को ऑनेस्टली बताइए इतने साल बलराज मिडिल ईस्ट में रहे थे तो हमको पूरी पैसे लेने की आदत थी, जो कमाया पॉकेट में होता है, यहाँ तो टैक्स देना पड़ता है आपको, इतनी ज्यादा टैक्सेशन है. तो हम 15 मिनट के लिए हस्बैंड वाइफ 2-3 दिन के बाद स्टेशन पे मिलते थे कि एक दूसरे से बात कर सके कि हम क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी लग्जरियस लाइफ मिडिल ईस्ट में थी, यहाँ आके सब कुछ करना पड़ा. तो फिर जब हमारा वीजा 2 साल का खत्म हुआ तो मुझे, मेरी पूरी फैमिली को मैंने अपने ऊपर लिया, तो मैं फर्स्ट बन गई वीजा होल्डर एंड सारे डिपेंडेंट. पर उसका देखिए एक फायदा हुआ, मेरा हस्बैंड मेरे अंडर हो गया, मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पे. सो दे बिकम डिपेंडेंट एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन. ओके तो आपकी पेशेंस, आपकी सबर ने, आपकी दृढ़ता ने आपको कहां पे ले आई. बहुत बार ऐसे आया, मेरे हस्बैंड सब बोले कि चलो वापस चलते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था लंदन, चलो वापस चलते हैं. तो मेरी दृढ़ता थी, हम बच्चों के कारण हमने ये डिसीजन लिया था और बच्चे तो 2 महीने में सेटल हो गए. तो दृढ़ता, आत्मविश्वास, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आज बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, मेरा बेटा लॉयर बन गया है, बेटी का लास्ट ईयर है. सो उस दृढ़ता ने, मेरे आत्मविश्वास ने, अपने ट्रू आइडेंटिटी ने मुझे कहां से कहां पे पहुंचाया. सो दूसरी, जब आप ये तीनों चीज आपके पास होती हैं, आपको गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और ब्लिसफुल लाइफ आप लीड करते हो, किसी का डर नहीं, किसी से आप डरते नहीं हो.
कोई भी आ जाए, टुम्बकटू से कोई भी आ जाए। मैं तो भगवान जिसे कहते हैं ना, इससे पहले मैं भगवान जो है ना, मैं उससे इतना लड़ती थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सत्य साई बाबा को बहुत मानती हूँ। ऐसी लड़ाई मेरी, शायद वो जो डायलॉग अंतर मन में कहते हैं ना भगवान होता है, ऐसी लड़ाई होती थी उसने, ऐसी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने मुझे मेरा घर भी दिलवा दिया। यहाँ पे लंदन में जो घर है मैं पूरा इसका को देती हूँ। देन एनीवेज, उसके बाद जब आपके पास ये तीन चीजें, खुशियां, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, ब्लिसफुल होता है, तो क्या अचीव करोगे आप? प्योरिटी ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, शांति। शांति का मतलब ये नहीं कमंडल लेके बैठ जाओ, ऑरेंज कपड़े बैठ जाओ, ओके? शांति मीन्स खुश। नाच रहे हो तो फुले से नाच रहे हो, गा रहे हो तो गा रहे हो, शांति है मन में, किसी चीज का कुछ दुख नहीं। देखिए मैं अपने बच्चों की, मैंने ये ध्यान यात्रा में सीखा कि मैंने ना एक बार अपनी माँ से ये पूछा था ये कि माँ हमको शांति कब मिलेगी, आप कब छोड़ोगे अपने आप अपने बच्चों का? तो शी सेड टिल द टाइम आई एम इन माई ग्रेव, मतलब जब तक मैं अपनी ग्रेव में नहीं जाती तब तक मैं बच्चों के बारे में सोचूंगी। तो बताइए मेरी माँ ने हेल्थ की इतने इश्यूज लिए, क्या वो मेरी डेस्टिनी को बदल पाई? जो चीज मुझे गलत लग रही थी वो मुझे ही गलत लग रही थी, जो चीजें मैंने झेलनी थी वो मैंने झेली, वो मेरी माँ नहीं झेल सकती, वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम ऑन द फ्रंट जोन, आई एम ऑन द वॉर जोन, आई हैव टू बैटल, मुझे ही वो लड़नी है जिंदगी की जंग। वो मुझे कहां से मिली? अपनी ट्रू सेल्फ से, जब मैं कनेक्ट हुई कि डरना छोड़ो। जब मेरी मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी, एक दौर आया था जिसमें मुझे लगा कि मैं शायद डिप्रेशन में चली जाऊंगी और किसी से बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब आपकी शादी होती है आपको लगता है कि पता नहीं क्या। देख मैं आई भी ऐसे घर में थी, हमारे घर में 6 फ्लोर्स थे, जब आपको रोना होता था ना जोर जोर के दहाड़े मार के तो हम छत पे चले जाते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन बॉम्बे में तो 2 बेडरूम का घर होता है, इधर से रो सास को पता चल जाएगा बेटा जी क्यों रो रहे हैं और जाट पड़ जाएगी, तो समझ ही नहीं आता था रो कहां पे, वहां जाके रो कहां पे। तो प्रॉब्लम क्या थी? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं मैं उनको बता ही नहीं पा रही थी मैं फील क्या कर रही हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं थी। रिश्तों में दरारें तभी आती हैं जब हम उसमें खुद लाइन मार देते हैं, हम उसके किसी भी रिश्ते, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फाइनेंशियल में, किसी भी में, हम अपने आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं है। तो उस जगल में 2.5 साल लग गए समय ऑब्जर्व करने में। एक दिन बड़ा, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जब मैं मां बनी, तब मुझे अपनी सास का भी दर्द पता चला कि वो ऐसे क्यों बिहेव करती है। अरे डेफिनेटली जिसने अपने बच्चे को 30 साल से रखा हो, उसका बच्चा फॉरेन से आए, तो वो माँ तो उसके लिए सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। मैं तो फिर बाहर वाली हूं, मुझे टाइम लगेगा। सो किसी के दिल में जगह बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, पर उसमें आप वो मत लेके आइए। आप देखिए, आपने भी एक दिन माँ बनना है, आप भी किसी की बेटी थी, अपने आप को उसके शू में रख के देखिए। तो मैंने एक दिन अपनी, फिर उस इतनी हिम्मत आई, मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला कि मम्मी मुझे आप जब ये कहते हो ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। जब वो अच्छे मूड में थी, ये नहीं जब कोई गुस्से में हो तो और आग डाल दो कि आप मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, नहीं तब तो आपका कांड हो चुका, तब तो गए आउट, ट्रू सेल्फ गया तब भाड़ में। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे फील होता है, तो बिलीव मी मेरी अपनी सास के साथ, अपने इन लॉज के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैं अपने इन-लॉज के साथ बैठी हूं। सो क्लियर रिलेशनशिप दैट आई लर्न्ड कि डर डर के कुछ नहीं, हम जी नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हम लोग पता है कैसे हो चुके हैं। एक बार ना एक शेर का बच्चा, वो खेल रहा होता है अपने उसके, लेकिन खेलते 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 वो जहां बकरियां चल रही होती हैं वो उधर चला जाता है, और शेरों को पता नहीं चलता कि उनका बच्चा कहीं चला गया। तो बस बकरियां जो थी ना, बकरी की माँ वही शेर के बच्चे को पालने लगती है। और एक दिन वहां पे एज यूजुअल हमारे नारद मुनि जी आ जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और वो देखते हैं कि शेर दहाड़ नहीं रहा, वो कर रहा है भैं भैं कर रहा है, और वो कहते हैं अरे ये तू क्या कर रहा है, तू तो शेर है और तू घास खा रहा है और ये कर रहा है, हम लोग भी ऐसे। तो वो तब उसे बताते हैं कि तू तो शेर है, तेरा काम दहाड़ना है,
तू तो राजा है, तू यहां बकरियां बना। वी आर एग्जैक्टली लाइक दिस। हम जब अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते, हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, हम वही वो बन जाते हैं। हम है शेर, भगवान ने हमको सब क्वालिटीज दी है। आपको हम कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं है। किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी आप 30 मार्क से, अगर जो भी आपका हीरो है लाइफ में, हीरोइन है, आप उससे कम नहीं है। बस ये है, हमने पहले से मैच खेलने से पहले ही हार मान ली और बॉल उसकी कोर्ट में डाल दी कि वो मुझसे सुपीरियर है, मैं उससे इंफीरियर हूं। ये हमने अपने आप ही अपनी सोच से डाला। तो हमको इसको कनेक्ट करना है कैसे? मेडिटेशन से, ध्यान से। हाउ टू बी ट्रू टू योरसेल्फ? जब आप जेन्युइन हो गए, अपने यूनिक टैलेंट्स को पहचानोगे और सोचोगे कि डिफरेंट होना किसी से कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बड़े धड़ल्ले से यहाँ पे कहती हूँ कि मैं गली से आई हूँ। लोग ना मेरे यहाँ पे, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, ऐसे याए फाए इंग्लिश बोलेंगे, अरे यहाँ पे लेडी संगीत चल रहा है और आप अंग्रेजी मार मार के उसकी बुरा असर कर देते। मतलब वो तो जोक्स का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं अंग्रेजी में बोल बोल के। जो आपकी अपनी भाषा जहां पर है, उससे क्यों हमको पीछे के मुड़ना? सो वॉट वी आर डिफरेंट। मेरे को ना शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पे आई, तो माई एक्सेंट वॉज डिफरेंट, और जो मतलब मेरी भाषा जो है हमारी डिफरेंट थी। तो जिस स्कूल में मैं गई, वहां पे मुझे याद है एक बार सुबह एक पेरेंट ने मेरी हेड को रिपोर्ट किया कि मिसेस कपूर्स लेक्चर्स आर वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी इनोवेटिंग, बट आप मानोगे कि भाषा के चक्कर में मुझे वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं समझ आया। मैं सारा दिन यही सोच कि हाय इस पता नहीं क्या कह दिया इस गोरी ने, हाय पता नहीं क्या कह दिया। और बाद में मेरी मेंटर आई, कहती यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। वो मेरे पास आई एंड ऑफ द डे, मेरी हेड भी, कि देखो उसने क्या कह, देखिए वो मेरे अपनी उपज थी कि हाय मेरी बात लोगों को समझ नहीं आती। बट दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मैं विद इन 6 मंथ्स मैं अपने स्कूल में सारे गोरों को पिछाड़ के सबसे ऊपर उनकी बॉस बन गई। पर हार्डवर्क, ट्रू सेल्फ, मैंने अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े जो मुझे सिखाए गए थे कि बच्चे, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं एक टीचर जो है, जो एक स्टूडेंट है, जो बुरा स्टूडेंट है, वो सिर्फ अपने को बिगाड़ता है, लेकिन एक बुरी टीचर जो होती है वो नेशन को बिगाड़ती है। तो ये प्रिंसिपल्स जो थे मेरे अपने, मतलब मैंने उनको बोया, मेरे ब्लड में मैंने उन्हें लिखा। यूनिक को आगे करते करते, यूनिकनेस को करते हुए, अपनी आइडेंटिटी को, अपने टैलेंट्स को पहचानते हुए, बस मैं अपनी जिंदगी की जो जंग है उसमें आगे बढ़, जंग नहीं कहूंगी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से, उस रास्ते पे चलती गई और ब्लेसिंग्स देखी, बहुत सारी चैलेंजेस देखे, अभी भी देखती हूँ, बट वो चलते गए, रास्ता निकलता गया। और ध्यान ने तो ये मुझे सिखाया इसमें, ट्रू सेल्फ ने, कि जो कुछ भी होता है होने दो, इट वॉज अ लेसन। जब मुझे ये पता चला कि हर लेसन का सोल्यूशन होता है, और मैंने उसे एक्सपेरिमेंट किया 4 महीने में, मैंने अपने हस्बैंड से नहीं, जो मैं बातें आपसे शेयर कर रही हूँ मैंने अपने हस्बैंड से कभी शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने हर पल जो आप बताते थे ना उसको मैं नोट करती थी, उसको लिखती थी। आपने कहा कि एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, तो मैंने कहा अच्छा कर लूंगी जी, पर मैंने कर लूंगी जी तो कह दिया अपने दिमाग में, पर मान लीजिए दिल करता था 2-3 राबटे लगा दूं, पर किया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ठाना हुआ था कि मुझे एक्सेप्टेंस करनी है। अगर आज कुछ इंसिडेंट्स उसमें ऐसे हुए उन 4 महीनों में, अगर मैंने मेडिटेशन ना की होती ना, मैं भी यही कहती, अरे वो आदमी तो इतना बुरा था, वो ये था वो था, बट उसने मुझे अपने से कनेक्ट किया, ट्रू सेल्फ माय, ओके, मैंने अपने अंदर को पहचाना। नेक्स्ट, इन लाइफ एंड लव स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। प्यार में और जिंदगी में अपने से रहिए, नेवर चेंज हु यू आर, जो हो आप वैसे रहिए। नॉट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट टू बिकम व्हाट समवन एल्स डिमांड। किसी की डिमांड के ऊपर अपने आप को मत बदलिए। जब आप अपने ऊपर दृढ़ता रखेंगे ना, तो देखिए दूसरा भी पिघल जाएगा। मैं इसके लिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात करूंगी। एक बार मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था, जिसमें एक लेडी कहती है मेरे हस्बैंड की ना, मेरा हस्बैंड बहुत बुरा है, मेरी सास बहुत बुरी है, बस गुरु जी मेरा कुछ कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए मेरा, मुझे मेरे हस्बैंड से छुटकारा दिला दीजिए, सास से छुटकारा दिला दीजिए। तो गुरु जी ना उसको हंस के कहते हैं कि बेटा तू ये काम करेगी? कहती है जो कुछ आप कहोगे मैं करूंगी। तो कहते तू जंगल में जा और एक शेर को अपना पालतू बना, एक पेट बना। कहते इतना सा है,
ठीक है जी, वो जाती है जंगल में और वो शेर को वहां पे रहती है और वाकई वो शेर को पेट बना लेती है। आती है 3-4 महीने के बाद और वहां पे देखती है, वो सारे वहां पे संगठन बैठा हुआ है और ये शेर के गले में चेन लगा के, और शेर उसे लिक कर रहा होता है। और वो गुरुजी ना कहती है, गुरुजी देखो आपने कहा था ना शेर को पेट बना लो, तो देखो मैंने उसे बना लिया, अपना पालतू बना लिया। तो गुरुजी हंस के कहते हैं, अरे मूर्ख अबला औरत, तेरे में तो इतना टैलेंट है, तूने शेर जैसे को पालतू बना लिया, तो सास और हस्बैंड वो क्या चीज है? कनेक्ट टू योर सेल्फ, यू हैव ऑल द पावर्स, वी ऑल, वेदर यू आर मैन वेदर यू आर वुमेन, यू हैव ऑल द पावर्स ऑल द टैलेंट्स, जस्ट कनेक्ट, बीट योर सेल्फ, दूसरों को मत देखिए, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट, फुटबॉल ना बनिए दूसरों का। लोग तो बैठे हैं किक मारने के लिए, डोरमैट किस लिए होते हैं? साफ करने के लिए, डोंट बी द डोरमैट, गुलदस्ता बनिए, सब उठा उठा के घूमेंगे, चाहे उसमें कांटे भी होंगे लेकिन रोज की तरह सजाएंगे आपको। हाउ डू यू नो इफ यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ? पता कैसे चलेगा मैं कि मैं अपने आप से? जब आप किसी चीज से डरोगे नहीं, जब आपके ड्रीम बड़े होंगे, छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी है, जैसा वक्त आया उसमें शुक्र गुजार, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, देन देखिए स्काई हैज नो लिमिट, सब कुछ आपका है, अबंडेंस, किसी कोई आपको रोक ही नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। जैसे कल मुझे दुबे सर की बात बड़ी अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा सब कुछ चेकिंग होती भी है लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं किसी के ऊपर उंगली तो नहीं उठाऊंगा, जो गलती होगी मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लूंगा। सो छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में एक कान से इधर से मत कीजिए, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, टेक ये जो नगेट्स मिल रहे हैं ना हमें विजडम के, इसको अपनाइए, इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो आप अपने आप अपने से कनेक्ट होएंगे। इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नहीं किसी के साथ, अपने आप से नहीं कनेक्ट होंगे, तो रिश्तों में, हेल्थ में, हर चीज में दरारें आएंगी। ऑनेस्ट डिस्कशन, चाहे छोटा घर में बच्चा है, आपका ग्रैंडसन है, आप चाहते हो उसको, जैसे आप अपने बॉस से बात करते हो, जैसे बड़ों से बात करते हो, उसके साथ भी एक हैबिट बनाइए, 5 मिनट के लिए उसके साथ बात कीजिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट। ये नहीं आप कड़ची चला रहे और बच्चे से बात, होमवर्क कैसा था, स्कूल कैसा था, उसे लगता है यही शायद बात करने का तरीका है। सो टाइम, छोटी छोटी लाइफ में जितने जितने आप अपने, देखिए बीज को जितना प्यार से करेंगे उतना ही आप अपने आप से कनेक्ट होते जाएंगे। खुशियां कहाँ है? कहीं और नहीं है, आसपास है, हमारे अपने आसपास है। हाउ डू यू बी हु यू वॉन्ट टू बी? सी योर सेल्फ आउटसाइड योर सेल्फ, मतलब देखिए, देखिए मैंने अपने आप को कहा था, पर इसमें लोगों का भी बहुत सपोर्ट होता है। मैं आज जो कुछ भी हूं अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के कारण हूं। अगर मैं शायद नहीं होती, मुझे याद है जब हमारी शादी हुई तो फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया, वेरी फर्स्ट डे, जब वो चावल की वो रस्म होती है ना, ही टुक मी ऑन द साइड एंड ही सेड कि मैं ना तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमन देखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता तुम मेरी मामी की तरह, शी वॉज विडो, कि तुम वैसी जिंदगी जियो। और मुझे बड़ा बुरा लगा उस टाइम पे कि अभी तो मैं आई हूं, चावल ही ठोकर मारी है, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। बट एनीवेज, वो तो जोक्स अपार्ट, उन्होंने मतलब किस तरह से मेरी जिंदगी में, मेरे हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हमारे घर में लोग भी आते हैं ना, बड़ी सारी बातें बनाते हैं, अरे देख ये बातें कर रही है और हस्बैंड कड़ची चला रहा है, बट दिस इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैं हर चीज को बर्दाश्त करती हूँ और बहुत हंसी से कहती हूँ कि यस वी आर कंपैटिबल, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो मैंने किया, उसको जरूरत थी तो मैंने उसका साथ दिया, जब मेरे बच्चों को जरूरत थी तो मैंने उसका दिया। हर किसी को लाइफ में स्पेस चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ओनरशिप मत रखिए, हम सिर्फ उनके गार्डियन हैं। फाइंड द हैबिट एसोसिएटेड विद द थिंग्स यू वांट टू चेंज, किस चीज को बदलना चाहते हो? मैं शुरू में बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, बच्चे फीडबैक देते थे, मैं कहती थी सबसे बड़े क्रिटिक तो यही है, बाहर जाके क्या होएगा, वो ऐसे ही मेरी बोलती बंद कर देते हैं। बट उसका असर ये हुआ कि मैं शेरनी बन गई, अब मैं किसी से नहीं डरती। प्रैक्टिस एवरी डे, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सांस हम लेते हैं ना, अगर आपको बदलना है ना तो उसकी कोशिश, हिम्मत मत हारिए, बस करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। और रियलिस्टिक गोल्स, ओके, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊं, मैं रिज्जु कपूर हूं, आई एम वेरी हैप्पी विद रिज्जु कपूर, ओके। रियलिस्टिक गोल्स आपके होने चाहिए, सच्चे,
कॉन्स्टेंटली लुक इन द मिरर, आपका जो मिरर है ना, जब आप देखते हो अपनी शक्ल, वो आपको कभी भी वो जुटलाएगा नहीं, हमेशा सच बोलेगा। और जैसे पत्री सर भी कहते हैं ना, अगर आपको बनना है, अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहना है, तो जो लोग आपको डराते हैं उनके साथ मत बैठिए। एंड मैं हमेशा से, पता नहीं मुझे एक लगा रहा है, मेरे हमारे एक, मैं सत्य साई बाबा को बहुत मानती हूँ, उनके हमेशा एक हमारे भजन में आती है, मेक मी रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो मींस मेरा गॉड जो इनर सेल्फ है, उसकी रिफ्लेक्शन बनाने के लिए, वो तो प्योर है, पाक है, जिसने डिविनिटी की रचना की, तो उसको बनाने के लिए मुझे अपने ऊपर कितना काम करना पड़ेगा। उसने तो जब मुझे धरती पर भेजा, सब कुछ दिया, तो उसने सिर्फ दिमाग भी दिया सब, और उसने ये भी कहा ये ले, तो जो मांग रही है मैं तुझे दे रहा हूं, तो आगे काम थोड़ा बहुत हमें ह्यूमन बींग्स को भी करना है, अंदर अपने आप भी कनेक्ट होना है। एंड टेक रिस्क, जब तक लाइफ का मजा नहीं है, जब तक कुछ वो चाल नहीं चलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो पता चलेगा ना ऊपर से कैसे दिखता है। एंड इन द नटशेल, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, स्टेइंग फेथफुल विद योर वैल्यूज, जो आपके वैल्यूज है, जो आपके संस्कार है, उसके साथ अडिग रहिए, दृढ़ रहिए उनके साथ। सिंसियर, सिंसियरिटी इज बॉथ, हमको अपने आप से सिंसियर और ओपन माइंडेड होना चाहिए। हर कल्चर इतना कुछ सिखाता है, ये नहीं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, हर जगह पे इतना कुछ है, इतना कुछ है। मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ कि मैंने मुस्लिम्स कंट्रीज में काम किया, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में काम किया, इतना कुछ है, हमें दिखाया कुछ जाता है, पढ़ाया कुछ जाता है, लेकिन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। सो प्लीज डोंट जज द बुक बाय द कवर। एंड अगेन इन द लास्ट, इट डज नॉट मीन दैट यू लुक डाउन ऑन पीपल, अपने आप से ट्रू सेल्फ रहना, आई डू नॉट केयर अबाउट पीपल, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं होना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बच्चे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारे आसपास नेचर के रिसोर्सेज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो कभी पेड़ कभी हमसे नहीं मांगता, कुछ कोई इंसान पानी नहीं मांगता, लेकिन तो फिर उसको पोल्यूट क्यों करना। सो हर एक्शन जो आप करिए, उसके बाद 10 बार सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने हेड हार्ट और हैंड इनमें अलाइनमेंट रखिए, देन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। ये एक बी योर सेल्फ एलन बेली की पोइट्री है, मुझे इसका, एनीवेज मुझे सारी पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसका लास्ट वर्स, रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू जस्ट एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे भगवान तुम्हें बहुत प्यार करता है, जैसे भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें तुम्हें लगता है तुम्हें कोई कमी है, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो, तुमने अपनी मर्जी से ये जीवन चूज किया है, क्योंकि तुम्हें इससे लेसन्स लेने थे। To him you are already a bright shining star. किसको दिखा रहे हो, किसके आगे 10-10 हजार की गड्डियां वो जागरण में हम करते हैं, ये कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हो, उसी की तो दी हुई है, किसके आगे फूल पत्ते फेंक रहे, उसी की तो दी हुई है। Be humble in life. Family and friends will love you too. अगर आप अपने हर जैसे भी होना, हमेशा अगर सच्चे होना, तो जितने भी आपके आस पास है, वो जैसे वो मधुमक्खी आती है ना, बिल्कुल वो ऐसे वो नेक्टर के ऊपर जाती है, बिल्कुल ऐसे आपके रिश्तेदार भी आपको लेके, आपके एक आंसू गिरेगा तो 10 आएंगे उसको पकड़ने बटोरने के लिए, जब आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होगे। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते खुद को ना खो दो, इसलिए अपने से कनेक्ट, दूसरों के लिए जिंदगी मत जियो, ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, इसको खुले दिल से जियो, अपने लिए जियो। कोई स्पिरिचुअलिटी का मार्ग इसीलिए इतना ब्यूटीफुल है, अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो अकेले क्या लेके जाना है, संस्कार, अपनी ओरिजिनल, अपनी एवोल्यूशन, कि मैं आई मैंने कुछ सीखा तो, कि जस्ट बाहर बढ़ने के लिए आई थी धरती पर, तो फिर एक कॉकरोच में और मेरे में फर्क क्या है। फिर भी देखिए गॉड कितना काइंड है, आपको दोबारा उस जगह पे नहीं लेके जाएगा, अगले जन्म में फिर कुछ सिखाएगा, ऊपर वाला कितना महान है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तो तजुर्बा तो नया होगा। सो यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, बी कनेक्टेड टू योरसेल्फ, ट्रू टू योरसेल्फ,
एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत 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 प्यारा. थैंक यू. मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ. बहुत प्यारा बोला रिजु. मैं बिल्कुल बहुत ध्यान से सुन रही थी. तो फ्रेंड्स सभी लोग अनम्यूट करिए और रिजु के लिए जोरदार तालियां की आवाज में पहुंची. इतना प्यारा उन्होंने बोला. आपने अपनी लाइफ के जो बारे में बताया ना, तो वाकई आप ट्रू टू योरसेल्फ तो हैं. इतना ओपनली आप सब बातें बता रही थी. और जो दास के जो दो हिंदी के आपके कोटेशन थे, उसको प्लीज प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरों को खुश करते करते तुम खुद न खो जाओ. यही हो रहा है आज की दुनिया में. जी. तो दोनों बहुत अच्छे लगे. प्लीज प्लीज शेयर करिएगा. और थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिजु. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू दीदी. थैंक यू. सब आप लोगों की कृपा है. प्लीज नो, कोई किसी की कृपा नहीं है. ये आपकी मेहनत है और आप ऑलरेडी मास्टर हो यार. बहुत अच्छे स्पीकर हो. बहुत बहुत अच्छे. और थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट मोटिवेशन. तुम तो सागर में एक अनमोल मोती टाइप निकले हो भाई. नहीं नहीं नहीं, बस कोशिश कर रही है आप जैसे मोती जो माला है उसमें एक छोटा सा एक मैं भी बन जाऊं एक दिन का पॉलिश करने के लिए. क्या बने हुए हो ना भाई, ऑलरेडी मास्टर हो. रिजु बहुत मेहनत किया है आपने. मैं देख रही थी आपके पीपीटीज और बहुत बहुत अच्छे से बखूबी आपने बताया अपनी लाइफ को भी कनेक्ट करते हुए. तो थैंक यू. और मैं अभी टाइम है ना रिजु आपको क्वेश्चन आंसर देने का, क्योंकि जी, जी, बोले. और सेशन है जी, आप बोलिए. हाँ हाँ प्रिया जी, प्रिया जी अनम्यूट करिए. प्रिया लालवानी जी अनम्यूट करिए अपने को. रिजु जब ध्यान आवाज आ रही है. हाँ आ रही है. ध्यान छत्तीसगढ़ में मिली थी ना, जब आपको देखा था प्यार हो गया था, पर आज रूहानी प्यार हो गया है. जोड़ लिया तुमने, जोड़ लिया. आफरीन आफरीन. नो वर्ड्स, बट परछाई कहीं ना कहीं नजर आ रही थी. बहुत अच्छा लगा. बेहद थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिया जी. हाँ प्रीति, बहुत ही शानदार प्रीति जी. बहुत मजा आ गया. थैंक यू सर. लगा आवाज एकदम दिल से नहीं आत्मा से निकल रही थी. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली जो बहुत बड़ी चीज है जो ये बीइंग ट्रू विद अवर सेल्फ, बहुत बड़ी चीज है. आपने जिस अंदाज से उसको समझाया के साथ, बहुत अच्छा लगा. बहुत ही अच्छा. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. धन्यवाद. कल एक बार और रिकॉर्डिंग में, बहुत कम सुनता हूँ मैं, बहुत कम सुनता हूँ रिकॉर्डिंग ईमानदारी से, लेकिन कल एक बार और सुनूंगा इसको. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू वासुदेव जी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. जी आपका हर घर में पहुंचना चाहिए. थैंक यू. एवरीबॉडी शुड लिसन टू यू. थैंक यू. बहुत 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 ग्रेटिट्यूड. बहुत अच्छा बोले आप. और ये बिल्कुल सही है कि ध्यान ने हमें अपने आप से जोड़ दिया. कुछ कुछ पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन जो बाकी थोड़ी बहुत कसर थी ना, वो ध्यान ने हमें जोड़ दिया. और आपसे मिलके तो बहुत ही ज्यादा बहुत कुछ मिला. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये आपका लेटर ए है जो आगे बी बन रहा है. थैंक यू. रिजु एक बात बोलो. रिजु चिंता मत करो, ये आगे तक जाएगा, एक्स वाई जेड तक जाएगा. आपने तीन पीज बोले थे ना. जी जी जी. एक और पी भी ऐड कर लो इस ग्रुप में बैठे हैं. जी पत्री जी. यस यस डेफिनेटली. उनके सिवा, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता. नहीं पर तीन में एक ये भी शामिल हो जाएगा तो. Sure, definitely. Thank you. Thank you for your suggestion. Thank you very much. Thank you.
Thank you, ma'am. Love the lecture today. Enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Anjini Dubey. अरे मैम, इतने दिनों से कहाँ थे आप? इतने दिनों मैं आपको पहली बार ना मम्मा बताया था कि बहुत एक बहुत अच्छे स्पीकर से मिलवाऊंगा। खेमजी सुनिए ना, सुनिए, हीरे को ढूंढने के लिए ना बहुत खुदाई करनी पड़ती है, अभी खुदाई चल रही थी, आप निकल गए। थैंक यू, मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल सही है, हमारे पास शब्द नहीं मैडम आपके लिए। अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, थैंक यू केमजी सर, ये मेरे देश की मिट्टी है, मेरे देश की संस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बहुत 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 अच्छा था आपका, जो आपने कहा ना उसूल, मैं भी वही सोचती हूँ कि वो बहुत क्या कहना चाहिए, दया के पात्र होते हैं जो बाहर की दुनिया को देख के अपने उसूल को तोड़ देते हैं। मेरे भी जो उसूल थे वैसे ही चल रहे हैं, और चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में रहो चाहे मटेरियल लाइफ में रहो, आपको अपने उसूल के साथ कायम रहना ही चाहिए। हाँ अंजनी सर। रिजु जी, थैंक यू जी सर, नमस्ते सर। मतलब आपकी आवाज वाकई दिल से निकल रही थी, और यही रीजन है कि आपकी आवाज जो है बहुत दूर तक जा रही है, लोगों के दिलों तक जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, खुश हो गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने। एक दो तीन लाइन मैं भी आपको कुछ बता दूं। जी सर। थोड़ा सा हो रस बाकी, कर पहल दोस्ती कर लेना, सौ तीर्थ जाने से बढ़कर एक रूठा यार मना लेना, कहने को कोई हमारा है तब तक ही ये जग प्यारा है, अत मैत्री शरणम गच्छामी अत बुद्धम शरणम गच्छामी। अरे वाह, थैंक यू सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। आपका सेशन बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था आपकी सोल बात कर रही है, आप नहीं बात कर रही है। बिल्कुल, और आपके लिए एक सेंटेंस है, रिजु जी तुसी ग्रेट हो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर, पांच साढ़े दर्शन में साढ़े सर। आपके सिर पे तलवार, थैंक यू, म्यूट है तो जल्दी उनको भी अनम्यूट कर देंगे तो हमको सुनने को मिलेगा, दोनों तलवार एक साथ सुनेंगे। ठीक है जी। कितने दिन का है रिजु जी उनका? पता नहीं दीदी, नवरात्रे से ही दीदी, मैं ना थोड़ी प्रिंसिपल्स की हूँ, तो उन्होंने बोला अब मैं सिर्फ सब्जी के लिए बात करती हूँ, मैं पूछती नहीं हूँ, मोबाइल भी नहीं यूज कर रही, कि ठीक है कह रहे हैं शांति रख रहे हैं तो थोड़ी 10 दिन देखती हूँ कि कितना सब्र है अब। नहीं नहीं नहीं, पर बहुत अच्छा है, मैंने भी 9 दिन रखा है, बहुत बहुत अच्छा है, वो रख रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट करिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी जी। लेकिन जी, बलराज जी की आवाज में सुन रहे थे कुछ अधूरापन भी लग रहा है ना, तो आप रिकॉर्डिंग, आपको नींबू मिर्ची के बिना मजा नहीं आता चाट खा के। तो सुनिए ना, उनकी जो पुरानी रिकॉर्डिंग है ना वो अपने साथ चला दिया करिए तो मजा आ जाए। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। शोभा जी, शोभा बनर्जी, आपने एड्रेस किया था और एकदम दिल से बोली, बुलंद आवाज में जो आया बस एकदम सही सही, बस बोल दो, कुछ नहीं सोचना, जो सही है वो आपका चैप्टर था ना ट्रूथ वाला, और सही में वही हुआ एकदम ट्रूथली, जो आपके मन में आया जो सही लगा आपने वही किया जीवन में और वही बोला, बहुत अच्छा लगा, हम कुछ भी ले पाए तो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मनीषा जी। हाँ संतोष जी, हाँ मैम, ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल म्यूजिक बहुत अच्छा रखा था आपने, और आज बहुत अच्छा बैलेंस था आपकी आवाज और म्यूजिक का कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा ध्यान लगा, बट वही ध्यान में नीता जी दिखती थी पता नहीं क्यों। अब वो अरे सर, वो कहते हैं ना वो उनका ऑरा ही ऐसा है सर, ऑरा ऐसा है जी। और सबसे पहले तो मैं नीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको लाया, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा।
और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मैम वो जो आप बोल रही हैं कंटिन्यूएशन, मतलब इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये मैम से थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए ना, ये थोड़े दिन और चलाएं। रिजु जी मैं ट्यूसडे क्लोज करना चाह रही हूँ और इन लोग मेरे को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं दो दिन से। नहीं दीदी आपने कोई बेटे जॉइन कर दिया है। मैं एक बात और बोलूं वासुदेव जी, आप तो बिल्कुल वासुदेव जी आप तो बिल्कुल मत बोलिए। नहीं नवरात्र में तो वैसे ही बंद नहीं करना चाहिए। सही बात है, सही बात। क्या सही बात है प्रीति? सही बात है दीदी, वैसे ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए दीदी, वो सही है। हाँ नवरात्र तो कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। सही बात। माही व्हाट आर यू सेइंग? रिजु जी जी, जी सर एक बात कहनी है जी, कि पंजाब देव उत्तर इंडियन हो तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि सारे गोरों को नीचे पछाड़ के ऊपर चली गई हो। एक तो इंडियन है, इतने सालों इन लोगों ने हम पे राज किया और हम लोग उनको प्यार से सिखा रहे, जैसा आप स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो, बदला तो नहीं लेके ऊपर जाके गोरों को हमारे लोग जाके सिखा रहे, रियली ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा बंदे जाके वहां पे राज कर रहा है, राज है, आप रानी है, आप उनका बल हो और राज है, दोनों को साथ में बिल्कुल करो। थैंक यू सर, थैंक यू केम जी। वैसे भी इंडिया ही सिखाती है वेस्टर्न कंट्रीज को मेडिटेशन के लिए, पीस के लिए। मडोना आई थी यहाँ पर, और भी स्टीव जॉब्स वगैरह काफी लोगों ने यहाँ पे आके सीखा है। मडोना का तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो हम ही इंडिया रिप्रेजेंट ही करता है मेडिटेशन को हमेशा। हाय माही, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा जी, है। थोड़ा कॉलेज के वर्क वगैरह, कॉलेज का वर्क वगैरह सब, सेकंड ईयर न्यू ईयर चालू हुआ ना, इसलिए थोड़ा वर्क बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया। अच्छा आज का सेशन सुना रिजु जी का? जी जी, मैं तो टॉपिक सुन के ही आई, मतलब मैं बोली ये टॉपिक तो बस सुनना ही चाहिए आज। मेरे को लगा ये आता है, बट इनको पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा, बट मैं पहचान गई इनको, मम्मी बताती रहती है अक्सर। और आंटी जी आपका बहुत बहुत अच्छा था सेशन, जो टॉपिक था सेम वैसे ही आप बोले और सब चीज अपने बारे में बताए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू माही, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को बात करना है या कोई क्वेश्चन है? मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ शर्मा जी बोलिए। मैडम ने ऐसा बोला यानी जो थे वो दिखाया, यानी जो वो ओरिजिनल है वैसा उन्होंने बोला, तो ऐसा लगता है कि हम उनको दिनों से जानते, वो जैसे जैसे बताती गई अपनी लाइफ के बारे में, तो अब तो ऐसा लगता है कि हमारा उनका शायद 15-20 सालों से हम पहचान में है, और वो जो थे वो बताया इसलिए उसमें बनावट नहीं लगी, इसलिए वो दिल को छुआ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जब आत्मा से कोई आवाज निकलती है ना, वो आत्मा तक के कनेक्ट होती ही है। और वाकई मैंने तो पहला ही सेंटेंस बोला कि जो आपने टॉपिक बोला, वाकई ट्रू टू योर सेल्फ ही आपने पूरा बोला है, क्योंकि इतना ओपनली वो बता रही थी अपने लाइफ के लिए, कहीं पे भी कोई छल कपट नहीं था, कोई मिक्सिंग नहीं थी, प्योरिटी थी। तो थैंक यू शर्मा जी। और किसी को कोई क्वेश्चन, क्योंकि उनका 11 बजे सेशन भी है, तो पूछिए आप। शोभा बनर्जी जी आप हाथ उठाए थे, कहाँ गई हमारी शोभा जी? 11 बजे किसका सेशन है नीता? रिजु जी का ही है, यू फॉरएवर का। कहाँ पर है रिजु जी? दीदी वो रोज जी के वहाँ पे, जोरबा टीम जोरबा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ठीक है रिजु जी, आप रिजु जी नहीं बोलूंगी मैं, आपको रिजु ही बोलूंगी। रिजु आपने जो टॉपिक आज जो लिया ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं सोचती हूँ आपने बोला ऐसा करके, क्योंकि एक तो बहुत प्रैक्टिकल बातें आज के बारे में, आज मतलब लोगों को बोलना बहुत जरूरी है जो कहीं ना कहीं कुछ का कनेक्ट नहीं हो पाते या नहीं जानते हैं, क्योंकि बुकिश वर्ड्स तो फिर भी हमें मालूम है कि हम बुक से निकाल के उनको बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसने जिंदगी वो जिया है और जो फील किया है
वो जब अपने अपने अंदर से निकाल के जब बोलता है तो वही सच्चाई लगती है। और तो मैं इस बारे में यही बोलूंगी कि एक्चुअल में ये सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट ऑफ। दूसरी बात ये है कि मैं भी यही बोलती हूँ कि जैसे अपने अपने आप में जो हो आप खुद, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी खुद लेके चलो, व्हाट यू आर फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है। अब हमेशा क्या होता है कि आजकल का जो वर्ल्ड हो गया ना, इतना ज्यादा हमारा इंडिया में ना इमिटेशन, मतलब उसने वैसा पहना तो मैं भी वैसा पहनूंगी, तो उसने ऐसा करा तो मैं भी वैसा करूंगी। मैं हमेशा सोचती हूँ इतना क्या है, मतलब अपनी आइडेंटिटी तुम भूल के किसी का और का अपना रहे हो तो वो कितनी सच्चाई है उसमें, उसमें कुछ सच्चाई नहीं रहती है। एक ना एक टाइम उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने एक दूसरे की आइडेंटिटी को अपना मान के चल रहे हो। और इस मामले में मैं हमेशा लता मंगेशकर जी को मैं अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि वो जो लेडी बचपन से जो थी और जब तक उन्होंने नेम एंड फेम कमाया, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी लेकर जी हैं, और उन्होंने कभी किसी को इमिटेट नहीं किया। दो ही वाज अ बिग स्टार, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी की। मैं इसी के कारण मैं खुद भी ऐसी ही हूँ, और आपके जो वर्ड्स आप बोल रहे थे तो मैंने बोला वाह, थैंक यू। मैं, क्योंकि मेरा सोचना यही है कि हमेशा अपनी आइडेंटिटी, वॉट एवर यू आर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आज मैं स्लीपर पहन के भी अगर कहीं चली गई हूँ, या अपने घर का आंगन भी झाड़ ले रही हूँ, या जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे सेंटर में 200-250 लोग भी हमारे वहां पे सेंटर में जब आते थे और ओकेशंस कुछ होते थे, तो मैं लोगों के जाने के बाद वहां के मैं टॉयलेट्स भी साफ कर लेती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बोलने में मुझे शर्म नहीं है। तो ठीक है, जरूरत पड़ी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाकी लोगों का भी कंफर्ट देखना है, तो उसमें कोई शर्म की, मतलब कुछ भी करने में हमको शर्म नहीं करना है, और वो ही हमारा एक व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट इज ओनली आवर ट्रू सेल्फ। आई एम राइट? यस दीदी। खराब था, और ये मैम का सेशन सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब स्पीचलेस। थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू। खुश रहो पूरे टाइम, रिकॉर्डिंग सुनना फिर से, ठीक है ना? हाँ मैम, ग्रुप में डाल दो, हम सब सुनेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ हाँ, मैं डालूंगी, बस कंप्लीट होके फिर। हाँ शोभा जी, अंजलि सर का भी कल मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना, मैं तो नहीं आ पाई थी, इतना अच्छा बोले हैं, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, वेरी नाइस। तो थैंक यू अंजनी साहब, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आ रहे हैं, इसी का नीता रात का नहीं बंद करना तुमको, ऐसा बोल रहे थे। देखो मैम, सुनो ना, बोल कौन रहा है जो खुद नदारद रहता है ना, तुमको बता ही था मैं अभी। चलो ठीक है, सामने आ गई है सागर से। अरे मेरे को इन लोग 2-3 दिन से इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप थे नहीं ना, फोन मैसेजेस यहाँ पर, ये प्रीति कम नहीं है, वासुदेव सर कम नहीं है, संतोष सर कम नहीं है, कोई कम नहीं है यहाँ पर। सॉरी दीदी, मेरे को नेक्स्ट सेशन में जाना है, एंड थैंक यू वेरी मच। नहीं रिजू जी, एक सेकंड बस, माही कुछ बोलना चाह रही है हमारी रिजू जी। मैं मुश्किल से 10 मिनट का अटेंड कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी, बट आई एम ईगर टू लिसन टू योर रिकॉर्डिंग। माई मॉम हैज टोल्ड मी दैट इट इज
इट इज अ ब्रिलियंट सेशन, इट वॉज अ ब्रिलियंट सेशन एंड मतलब वेरी नाइस वेरी नाइस. वो पांच छह बार अभी बोल चुकी है मुझे. तो मैं बिल्कुल सुनूंगी रिकॉर्डिंग और आपको मैसेज करूंगी बिकॉज इट इज समथिंग दैट आई रियली नीड टू लिसन. अब ममता आंटी भी आ गई है. ममता आंटी तो हम लोगों के सेशन में आती नहीं है. चलो अपन अपन कंप्लेन कंप्लेन बाद में खेलेंगे. शोभा जी जल्दी से बोलिए रिजु जी को. थैंक यू शोभा जी. थैंक यू सो मच रिजु जी. बहुत अच्छा लगा आपकी बिल्कुल रियलिटी थी लाइफ की पूरी बातें सुनी और मेडिटेशन में इतना अच्छा लगा कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ. आप तो बहुत ही बड़े डायमंड निकल गए. बहुत बड़े डायमंड आ गए. इसीलिए खोदने में टाइम लगा था शोभा जी. परंतु जौहरी तो बहुत एक्सपर्ट है. जौहरी ने आपको खोज ही लिया. नीता जी तो जौहरी हीरा हीरा निकाल रही है सब. बहुत अच्छा लगा सेशन. बहुत थैंक यू शोभा जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिजु जी आपका यहाँ पे टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाह रही हूँ कि आप हमेशा बार बार आते रहें और अच्छी अच्छी टॉपिक्स लेके आए. जब भी आपको टाइम मिले हम तो हमेशा कनेक्ट रहेंगे ही. तो आप लीव कर सकती हैं. मैं इन लोगों के साथ थोड़ी देर बात कर लूंगी. है ना रिजु जी. हाँ तो फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था. माही जी आप कहाँ थे. इन लोगों को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम. देखो तो सही. एक तुम ही तो मेरे को बचाते हो. ममता भी नहीं बचा रही है मुझे. आज माही मैम भी हमारे साथ है मैम. बस हो गया. अब नवरात्रि तक तो आप साथ में रहोगे कम से कम. उसके आगे भी अगर रहा तो और अच्छा. वो देख रही है प्रीति बोल रही है. नहीं मैम आप हमारे साथ तो आज. यार मैं तो क्या बताऊं. ऑपरेशन का काम जिसका होता ना उसको चैलेंज पता रहता है. यार ऐसा कुछ नहीं है कि हम. बस इशू ये है कि फेस्टिवल के टाइम पे सभी के घर में काम हो जाते हैं. और हम लोग जैसे स्टार्ट किया पहले भी तो हम लोग ब्रेक नहीं करना चाहते बीच में कि अपन एक दिन छुट्टी कर दिया दो दिन छुट्टी कर दिया फिर वो वाला वो रह नहीं जाता वैसा सिंक. हम कुछ और अल्टरनेट डेज हो जाए या बाकी दिन हम खुद ही कर लेंगे. सेशन कंटिन्यू रहे कुछ तो ऐसा कर लो. मैम ऐसे बंद मत करो प्लीज. ममता जी दिवाली की जितनी शॉपिंग आंटी के घर में भिजवा देना. ममता जी एक घंटा आप क्यों लापता हो गए थे पूछो उनसे. मैं ऐसा नहीं कि कोई सेशन दूसरा अटेंड करी हूँ. मैंने मोबाइल भी नहीं छू रही थी. थोड़ा सा था मतलब हेल्थ इश्यू था थोड़ा सा. जब अच्छा लगता है तो मैं खुद अटेंड करती हूँ. आज मैं सुबह आई थी आपको देखने. आए थे कहाँ. मैं आपको देखने आई थी फिर मैंने बोला ममता आंटी बढ़िया मेडिटेशन कर रही है. मैं आधा घंटा बैठी फिर इतने डिस्ट्रैक्शन होने लगे. मैंने बोला आप कोई मतलब नहीं है फिर मैंने बंद कर दिया. आधे घंटे में बैठी म्यूजिक चल रहा था आप बैठे थे. क्योंकि क्या है कि मैं ज्यादा गाइड नहीं करती ना बीच में इंटेंस मेडिटेशन में. आई एम ऑल्सो साइलेंट. Yeah. तो मैं बंद करके बैठ जाती हूँ फिर ऐसा रहता है.